हेलो नमस्कार दोस्तों, कंस्ट्रक्शन टिप्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। प्लास्टर ये टॉपिक है, इस पर हम बात करने वाले, डिटेल्स में बात करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं, प्लास्टर करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, प्लानिंग क्या क्या करनी पड़ेगी हमको। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा मटेरियल हमारी साइट पे अवेलेबल है या नहीं। मटेरियल में कोरशन और रिवर्शन और सीमेंट, और जैसे अगर तुम कोई केमिकल जैसे वाटरप्रूफिंग केमिकल मिलाना चाहते हो, आपके सीनियर्स आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट ने सजेस्ट किया है, जैसे सिक्का नंबर वाटरप्रूफिंग केमिकल मिलाना चाहते हो, वो भी है या नहीं। जैसे अरेंजमेंट, अगर हाइट पे हमारा प्लास्टर होगा तो उसके लिए घोरी चाली या स्कैफोल्डिंग वगैरह अवेलेबल साइट पे है या नहीं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर कौन काम करेगा, इस तरह से ये डिसाइड भी होना चाहिए पहले, प्लास्टर स्टार्ट होने से पहले। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं प्लानिंग में। ओके, प्लानिंग के बाद अगर बात करें तो एक्टिविटी बिफोर द स्टार्ट द प्लास्टर। प्लास्टर स्टार्ट करने से पहले हमें साइट पर क्या क्या और एक्टिविटी करनी है, जैसे क्यूरिंग कंपाउंड। अगर साइट पे क्यूरिंग कंपाउंड हुआ पड़ा है, जैसे क्या होता है ना, आजकल कॉलम पे आरसीसी पे क्यूरिंग कंपाउंड डालते हैं, उससे हमें तराई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। पहले उसको हमें रिमूव करना है वायर ब्रश से उसको रिमूव कर लेंगे। वायर ब्रश से रिमूव करने के बाद जहाँ भी आरसीसी पोर्शन है, जैसे बीम हो या कॉलम हो, उस पर हैकिंग किया हुआ है या नहीं, हैकिंग भी जरूरी है, अच्छे से हैकिंग करो। और कोशिश करो कि डीसटरिंग के तुरंत बाद हैकिंग हो जाए, कॉलम की डीसटरिंग या बीम की डीसटरिंग या स्लैब की डीसटरिंग हुई हो उसके बाद तुरंत हैकिंग कर दो। आप ये भी देख लो, अपने आर्किटेक्ट कंसल्टेंट से पूछो कि टाइल कहाँ कहाँ पर आएगी। टाइल बोले जैसे कि किचन में, बाथरूम में कहाँ कहाँ टाइल प्रोवाइड है, क्लैडिंग कहाँ कहाँ है, तो वहाँ पर हमें प्लास्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच बॉक्स जो हैं, उनको भी हमें कवर करना होता है, जैसे कि थर्मोकोल से या फिर थर्मोकोल्स या गनी बैग होता है उससे हमें पैक करना होता है, ठीक है। और ये भी डिसाइड करना होता है कि जो साइट है उस पर जो डोर विंडो हैं उनका साइज़ क्या है, ठीक है, हमें क्या क्या लेके चलना है साइज़ में। जैसे कि देखिए ये बॉक्स हो गया, इसको गनी बैग या उससे थर्मोकोल से पैक करें, और डोर विंडो का साइज़ क्या है, कितना प्लास्टर हम उसका रखें, जैसे 10 से 12 एमएम प्लास्टर रखते हैं, 3 एमएम की पीओपी का मार्जिन रखते हैं। पूछना पड़ेगा आपको कि पीओपी यहाँ पे होनी है या नहीं प्लास्टर के बाद, ठीक है, इस हिसाब से। तो उसका मार्जिन लेके हमें प्लास्टर के मेशन को हमें बताना है कि इतना एमएम प्लास्टर होना चाहिए या इस विंडो का साइज इतना होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1200 है तो 1200 प्लास्टर होने के बाद होना चाहिए। ये चीज़ हो गई एक्टिविटी बिफोर स्टार्ट द प्लास्टर। सरफेस टू बी क्लीन फ्री फ्रॉम द प्लास्टर। आपका जहाँ भी प्लास्टर करने जा रहे हो उससे पहले आपका जो सरफेस है वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उस पर तराई मारो प्रॉपर अच्छे से, क्योंकि डस्ट पार्टिकल इस ब्रिकवर्क के साथ भी हमारे डस्ट पार्टिकल आते हैं, उनको भी पानी मारते हैं तो उससे हमारी सारी धूल नीचे चली जाती है। और कोशिश करो कि एक दिन पहले तराई प्रॉपर मारो, फिर नेक्स्ट डे अपना प्लास्टर करो हल्की तराई मारने के बाद। अब एक चीज़ देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप कि चिकन वायर मेस हम कहाँ कहाँ लगाते हैं। चिकन वायर मेस जो होती है वो हम आरसीसी और ब्रिकवर्क का जो जॉइंट होता है वहाँ पे ज़्यादातर हम लगाते हैं। और लेकिन हमें जो है कंड्यूट जो चीजल हो रही है, चीजल एरिया लाइक कंड्यूट हो गया, पीवीसी पाइप, जैसे कि एसी की ड्रेन भी दीवार में से जाती हैं, उनको भी हमें चिकन वायर मेस लगाना है। देखिए चिकन वायर मेस जो है यहाँ पे लगा रहा है, दिख रहा होगा आपका, ये जॉइंट्स है ब्रिक पार्ट है, ठीक है, इस तरह की चिकन वायर मेस है। इसका गेज होता है 16 से 18 गेज का, हम चिकन वायर मेस यूज करते हैं। इसमें नेल्स भी होना चाहिए, नेल्स जो है 1 इंची से 1.5 इंची तक का नेल्स हम इसमें लगा देते हैं। इसके बाद हमें जो चेक करना होता है क्वालिटी चेक, अगर हम प्लास्टर होने के बाद, एक साइट इंचार्ज साइट इंजीनियर का काम होता है कि क्वालिटी क्या क्या चेक करनी है प्लास्टर में। प्लास्टर में अगर क्वालिटी की बात करें तो थिकनेस ऑफ द मोर्टार की थिकनेस जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मोर्टार की थिकनेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो क्रैक मारेगा, ठीक है। अगर और बात करें हम, जैसे प्लान करोगे आप कि कहीं पे जंक्शन जो डीबी होती है, डीबी तो नहीं आ रही है ना, यहीं पैरापीट होता है उस पर स्टोन तो नहीं आ रहा, इस तरह से अगर स्टोन पैरापीट के टॉप में आ रहा है तो पहले स्टोन लगाएंगे उसके बाद प्लास्टर करेंगे। ओके, ये हमारी हो गया।
और अगर बात करें क्वालिटी में कि जो प्लास्टर कर रहे हैं ये एकदम सरफेस जो है 90 डिग्री में होना चाहिए। 90 डिग्री में होने के साथ साथ जो है प्लम्ब, अगर इसका वॉल का हम प्लम्ब भी चेक करें प्लास्टर होने के बाद, वो बिल्कुल 0-0 होना चाहिए। और प्लास्टर को 1 से 2 वीक तक हमें चेक करना है कि कहीं उसमें होलोनेस तो नहीं है, मतलब खोखलापन तो नहीं है, ये भी हमें चेक करना होता है। 1 से 2 वीक उसमें लग जाता है खोखलापन या जो भी है प्लास्टर को छोड़ने में। तो ये चीज़ें होगी क्वालिटी चेक करने की बात। क्वालिटी के साथ साथ अगर हम बात करें जैसे मिक्सिंग की, जैसे सीमेंट मोर्टार जो मिक्स होता है ये वॉल के लिए, एक पाँच का ले लेते हैं, जैसे एक हो गया हमारा सीमेंट और 3 हो गया रिवर्सेंड और 2 हो गया कोरसेंड, ठीक है, 1-3-5 ऐसे हो जाता है। अगर सीलिंग की बात करें, सीलिंग में हम 1-4 ले लेते हैं, ठीक है। और जहाँ भी प्लास्टर करोगे हैकिंग करने के बाद ही RCC पोर्शन पर प्लास्टर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।